दोस्तों आज हम दिल्ली से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की यात्रा करने जा रहे हैं और ये जर्नी हम बाय ट्रेन करने वाले हैं और आज की हमारी ट्रेन है 12416 दिल्ली टू इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि हमारी उज्जैन यात्रा की हम सफर होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर लेके चलूंगा और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आप कैसे उज्जैन दर्शन करें वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी उज्जैन महाकाल आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग यहाँ तक आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं, आप यहाँ कहाँ रुकें, होटल या धर्मशाला, होटल धर्मशाला के रेट क्या होंगे, उज्जैन में कहाँ घूम सकते हैं और कैसे घूमें, उज्जैन में फूड पर पर्सन कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करके देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज अपनी यात्रा महाकालेश्वर के जयकारे के साथ, हर हर महादेव। दोस्तों उज्जैन आने का सबसे आसान तरीका ट्रेन है। उज्जैन में उज्जैन जंक्शन के नाम से रेलवे स्टेशन है जो कि महाकाल परिसर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सभी बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन आती है तो उज्जैन आने का सबसे आसान तरीका ट्रेन का है। इसमें दिल्ली से महाकालेश्वर तक का किराया स्लीपर क्लास का 450 रुपये और थर्ड एसी का 1100 रुपये का टिकट लगने वाला है। अगर आप का बजट कम है तो आप लोकल डब्बे में सफर करके यहां तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उज्जैन महाकालेश्वर के लिए कौन कौन सी ट्रेन है जिसमें आप इजीली आ सकते हैं। तो आज हम टॉप 3 ट्रेन को लेंगे जिसमें नंबर 3 पर आती है 12920 मालवा एक्सप्रेस जो कि श्री माता वैष्णो देवी से डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए लगभग 1500 किलोमीटर की जर्नी करती है। ये ट्रेन 7 डेज चलती है और आपको ये ट्रेन न्यू दिल्ली से रात को 8:20 पर महाकालेश्वर के लिए निकलती है और 15 घंटे में 800 किलोमीटर की जर्नी करके आपको मॉर्निंग में 11:20 पर उज्जैन पहुँचा देगी। नंबर 2 पर आती है 14318 योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। ये गाड़ी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दिन में 1:50 पर उज्जैन के लिए निकलती है और मॉर्निंग में 4 बजे आपको उज्जैन महाकालेश्वर पहुंचा देगी। इसका स्लीपर का किराया 450 रुपये पर पर्सन होने वाला है। नंबर 1 पर आती है 12416 न्यू दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोस्तों ये ट्रेन महाकाल के भक्तों की शान मानी जाती है क्योंकि ये अकेली ऐसी ट्रेन है जो कि 800 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 10.5 घंटे में पूरा करती है। 12416 न्यू दिल्ली से रात को 9:50 पर मथुरा कोटा ग्वालियर के रास्ते उज्जैन तक पहुंचती है। इसकी साफ़ सफाई की बात की जाए तो साफ़ सफाई के मामले में भी गाड़ी बहुत अच्छी है। इस बीच केवल 10 स्टॉपेज के साथ ये आपको मॉर्निंग में 8:20 पर उज्जैन पहुंचा देती है। इसका स्लीपर का किराया 430 रुपये पर पर्सन लगता है, थर्ड एसी का 1045 रुपये, सेकेंड एसी का 1595 और फर्स्ट एसी का 2675 होगा। तो दोस्तों ये हैं टॉप 3 ट्रेन दिल्ली से महाकालेश्वर तक के लिए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ट्रेन से जर्नी करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि भाई उज्जैन जाएं कैसे, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, प्लेन से जाएं और हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर ट्रेन से जाते हैं। तो मैंने आपको बताई है टॉप 3 ट्रेन जिनसे आप उज्जैन जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करें, मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम उज्जैन दर्शन कैसे करें वो बताऊंगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।